हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सिंटैक्स ऑफ नाउंस, यानी कि जो नाउंस के सिंटैक्स होते हैं, उनके 5 इम्पॉर्टेंट रूल्स को एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में सिंटैक्स पूछा जाता है और मैंने आपको सिंटैक्स के एग्जाम्पल्स भी बताए, लेकिन बिना रूल्स जाने आप सिंटैक्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिंटैक्स ऑफ नाउंस के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स, यानी कि नाउंस में आपसे ऐसी कौन सी गलतियाँ होती हैं जिसको आप लोग सही नहीं कर पाते और सिंटैक्स आपका सही नहीं होता। तो देखिए, सिंटैक्स होता क्या है, इसमें आपको सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें कोई गलती रहेगी जिसको आपको सही करना होगा। बट नाउंस में ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं, तो नाउंस तो आपको पता है, ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, इसके 5 रूल्स जानेंगे जिसमें आप लोग गलतियाँ कर सकते हैं। तो सिंटैक्स चलिए देखते हैं। तो देखिए, रूल नंबर 1 है, कुछ नाउंस जैसे न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स आदि का यूज सदैव सिंगुलर नंबर में होता है, यानी कि इनका यूज एक वचन में होता है, जबकि वे प्लूरल प्रतीत होते हैं, यानी कि इनका यूज जो है एक वचन में होगा, ठीक है, सिंगुलर नंबर में। और ये दिखते कैसे हैं, प्लूरल, क्योंकि इनके लास्ट में एस लगा है, न्यूज़ है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ठीक है, बट इनका यूज हम सिंगुलर नंबर में करते हैं, यानी कि एक वचन में करते हैं, यहीं पर गलतियां हो जाती हैं। जैसे देखिए, समझिए कैसे गलती होती है। तो जैसे लिखा है द न्यूज़, द न्यूज़, ठीक है, इज ऑथेंटिक, ऑथेंटिक एंड ट्रस्टवर्थी, ट्रस्टवर्थी, ठीक है, यानी कि क्या कहा जा रहा है, द न्यूज इज ऑथेंटिक एंड ट्रस्टवर्थी। ये जो सेंटेंस है आपका बिल्कुल राइट है, बट होगा क्या, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा द न्यूज आर ऑथेंटिक एंड ट्रस्टवर्थी, तो क्या वो सही होगा, नहीं, क्योंकि जो न्यूज़ है ये हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज होता है, यानी कि एक वचन में, इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ही सीड तथा एक वचन कर्ता के साथ। तो देखिए, यहाँ पर अगर आर लिखा तो आपको उसको सही करके इज लिखना है, ऐसी गलतियाँ आपको दे देगा और आपको सही करना होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो ये न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इनिंग, पॉलिटिक्स है, ये सब एक वचन होते हैं। इसे एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे इसका हिंदी होगा कि खबर, ठीक है, जो खबर है वो प्रमाणिक, ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक और ट्रस्टवर्थी भरोसेमंद है। सेकंड देखिए क्या है, जैसे आपका दिया गया पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज कंसाइडर्ड, कंसाइडर्ड, ठीक है, ये डर्टी गेम, यानी कि पॉलिटिक्स को एक गंदा खेल माना जाता है, ठीक है, राजनीति को एक गंदा खेल माना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर पॉलिटिक्स है, यहाँ पर आर दे दे तो आप क्या करेंगे, ठीक है, बट यहाँ पर सिर्फ आपको इज का यूज करना है, यानी कि एक वचन है ये जिसके साथ हमें इज का यूज करना है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये सब एक वचन होते हैं। सेकेंड देखिए रूल, जैसे है कुछ नाउंस जैसे टंग्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, थैंक्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेज आदि का यूज सदैव प्लूरल नंबर में होता है, यानी कि इनका यूज सदैव बहुवचन में होता है, इनका सिंगुलर नंबर नहीं होता है, यानी कि इनके सिंगुलर नंबर्स ही नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, एग्जांपल समझिए, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है टंग्स, टंग्स आर यूज्ड टू होल्ड, ठीक है, टंग्स का मतलब होता है चिमटा, जो चिमटा होता है जिससे रोटी पकड़ा जाता है, ठीक है, निकाला जाता है, तो टंग्स आर यूज टू होल्ड, यानी कि चिमटे का प्रयोग पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है, जैसे रोटी पकड़ने के लिए। तो देखिए, टंग्स लिखा है, इसके साथ आर लगा है, क्यों, क्योंकि ये बहुवचन है, यानी कि प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता ही नहीं है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि टंग्स इज यूज टू होल्ड, तो ये गलत है, क्योंकि ये बहुवचन है, इसके साथ हमेशा आर का यूज होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो यहाँ पर दिए गए हैं और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, इन सभी का यूज बहुवचन में होता है, यानी कि प्लूरल में, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल देखिए क्या है, सेकंड एग्जांपल है व्हेयर,
आर माई ट्राउजर्स, ट्राउजर्स ठीक है, मेरे ट्राउजर्स कहाँ हैं। देखिए यहाँ पर आर का यूज किया गया, ठीक है, तो ट्राउजर्स जो है ये बहुवचन है, यहाँ पर आर का यूज किया जाएगा। ट्राउजर्स का हिंदी होता है पतलून, ठीक है। तीसरा देखिए एक एग्जांपल और हम समझ लेते हैं, ठीक है। ही यूज्ड टू बियर स्पेक्टेकल्स, ठीक है, इन हिज स्कूल टाइम, ठीक है, यानी कि स्कूल के समय, यानी कि स्कूल में, वह स्कूल में चश्मे पहनता है या चश्मा का यूज करता है, ठीक है। स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा, तो वह स्कूल में चश्मे का यूज करता है स्कूल के समय में। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर बियर लगा है, वाज भी हो सकता था, ही यूज टू वाज स्पेक्टेकल्स इन हिज स्कूल टाइम, बट ये गलत है क्योंकि ये बहुवचन है, इसके साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो इन सभी का यूज बहुवचन में होता है, प्लूरल नंबर में होता है, इनके सिंगुलर यानी कि एक वचन नहीं होते हैं। तीसरा रूल देखिए, कुछ नाउंस केवल सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं। कुछ ऐसे नाउंस भी हैं जो सिर्फ सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल ही नहीं होता। जैसे देखिए कौन कौन से हैं, जैसे ठीक है, एडवाइस, एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद में फर्नीचर, फर्नीचर, उसके बाद में पोएट्री, पोएट्री, ठीक है, उसके बाद में सीनरी, सीनरी आदि, यानी कि ईटीसी, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं सिर्फ इनके सिंगुलर नंबर ही होते हैं, यानी कि ये एक वचन ही होते हैं, इनका प्लूरल होता ही नहीं, बहुवचन होता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल समझिए, ही गेव मी एन एडवाइस, ठीक है, ही गेव मी एन एडवाइस, उसने मुझे एक सलाह दी, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जाए कि ही गेव मी एन एडवाइसेज, ठीक है, अगर यहाँ पर एस लगा दिया जाए तो गलत होगा, क्योंकि इसका यूज, ये सिंगुलर नंबर होते हैं, इनका प्लूरल होता ही नहीं है। अगर मान लीजिए दो तीन सलाह दी है तो आपको एडवाइजर्स नहीं लिखना है, ठीक है, ही गेव मी थ्री एडवाइस, ठीक है, यानी कि इसके दो जो है बहुवचन होते ही नहीं हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे दूसरा है ये, ठीक है, हर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अबाउट, अबाउट टेररिस्ट, टेररिस्ट्स, ठीक है, वाज करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए लिखा गया है टेररिस्ट के बारे में उसका इन्फॉर्मेशन सही था, ठीक है, यानी कि उसका इन्फॉर्मेशन टेररिस्ट के बारे में सही था, आतंकवादी के बारे में। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए इन्फॉर्मेशन बहुवचन होता तो यहाँ पर वाज का यूज होता ही नहीं, बियर का यूज होता। तो इसीलिए मैंने कहा कि एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, पोएट्री एंड सीनरी, इन सभी को हमेशा एक वचन ही होते हैं, ये इनका प्लूरल यानी कि बहुवचन होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तीसरा रूल था। चलिए चौथा रूल देखते हैं। तो देखिए चौथा रूल हमारा है कि कुछ नाउन सदैव प्लूरल होते हैं, इनका सिंगुलर नहीं होता है। यानी कि कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो सिर्फ सिंगुलर प्लूरल होते हैं, यानी कि बहुवचन ही होते हैं, उनका सिंगुलर नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे है आपका आर्म्स, ठीक है, जैसे आपका आर्म्स, रिचेस, ठीक है, ये जो हैं ये प्लूरल ही होते हैं, इनका सिंगुलर जो है वो नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए, फर्स्ट एग्जांपल आपका है आर्म्स, आर्म्स आर गिवन टू नीडी, ठीक है, यानी कि ज़रूरतमंदों को भीख देना, ठीक है, यानी कि ज़रूरतमंदों को भीख देना चाहिए, ठीक है। आर्म्स आर गिवन टू नीडी, तो देखिए आर्म्स है, इसके साथ इज भी हो सकता था, क्योंकि अगर ये एक वचन होता तो गिव इज भी होता, इज हो सकता था, बट ऐसा नहीं होता है, इनको हमेशा बहुवचन में ही यूज किया जाता है, और ये बहुवचन होते हैं, इनके सिंगुलर यानी कि एक वचन होते नहीं हैं। तो आर्म्स आर गिवन टू नीडी,
ठीक है। जैसे दूसरा देखिए क्या है, दूसरा हमारा है रिचेज, रिचेज स्पेंड, ठीक है, स्पेंड ऑन लग्जरी, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो लग्जरी पर खर्च करते हैं, यानी कि लग्जरी जो होती है उन पर अमीर लोग खर्च करते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये तो रियल है, ठीक है। अब रिचेज है तो इसके साथ आपको स्पेंड्स लिखना चाहिए, अगर ये मान लीजिए एक वचन होता तो स्पेंड्स लिखते, बट ऐसा नहीं है, ये बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पर स्पेंड लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुवचन है, तो आर्म्स और रिचेज जो होते हैं ये बहुवचन होते हैं, इनका एक वचन नहीं होता है। अब पांचवा देखिए हमारा रूल क्या है, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर प्रतीत होते हैं परंतु उनका यूज सदैव प्लूरल होता है, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनका यूज प्लूरल में होता है। जैसे देखिए कैटल, पीपल, जेंट्री, ये ऐसे नाउन हैं जो देखने में तो लगते हैं कि सिंगुलर यानी कि एक वचन है, बट इनका यूज बहुवचन में होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, कैटल आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड, ठीक है। यानी कि जो कैटल्स हैं, ठीक है, जो कैटल्स हैं मवेशी हैं वो खेतों में घास चर रहे हैं, ठीक है, मवेशी खेतों में घास चर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो कैटल हैं, कैटल दिखने में तो एक वचन लग रहा है लेकिन ये बहुवचन है और इसके साथ आर का यूज किया गया है। मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, या लिख जाए कैटल्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये गलत होगा, ठीक है। आपको कैटल के साथ आर का यूज करना है, कैटल जो होते हैं इनके साथ इज का यूज आप नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुवचन है। जैसे सेकंड देखिए एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है पीपल, पीपल आर इंजॉइंग, ठीक है, इंजॉइंग द मैच, यानी कि लोग मैच का आनंद ले रहे हैं, लोग मैच का आनंद ले रहे हैं। अब देखिए पीपल के साथ अगर यूज आता है बोर्ड एग्जाम में तो गलत होगा क्योंकि ये बहुवचन है, इसके साथ आर का यूज होगा, ठीक है। तो पीपल आर इंजॉइंग द मैच, तो पीपल का यूज हमेशा बहुवचन में होगा। तीसरा देखिए क्या है हमारा, तो तीसरा हमारा जो है स्टूडेंट वो एग्जाम्पल है द, तो तीसरा चलिए दो एग्जाम्पल्स बहुत है, ठीक है, तो दो एग्जाम्पल समझ में आए। आगे देखिए एक रूल और है, सिक्स नंबर रूल क्या है कि मैटेरियल नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन तथा प्रॉपर नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है। यानी कि नाउन जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ऐसे कई प्रकार होते हैं। तो देखिए क्या कहा गया, मैटेरियल नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन तथा प्रॉपर नाउन का प्लूरल ही नहीं होता है, यानी कि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे मैटेरियल नाउन का एग्जांपल। मैटेरियल नाउन क्या होता है, मैटेरियल नाउन जो होता है कुछ मैटेरियल्स को मैटेरियल नाउन कहते हैं। मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो मैटेरियल जैसे सोना, चांदी, हीरा, तो ये सब मैटेरियल्स हैं, पदार्थ हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं मैटेरियल नाउन, क्योंकि उसी पदार्थ का नाम दे दिया गया है, सोना चांदी, तो उनके नाम को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे या संज्ञा कहेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट एग्जांपल है गोल्ड इज प्रीसियस, ठीक है, प्रीसियस मेटल, यानी कि जो सोना है वो एक महंगा धातु है, सोना एक महंगा धातु है, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया, गोल्ड यानी कि मैटेरियल नाउन है ये, इसका यूज क्या किया गया है, इसके साथ इज का यूज किया गया है क्योंकि ये हमेशा एक वचन होते हैं, इनका प्लूरल होता ही नहीं है, तो इनका, इनके साथ आपको यूज करना है इज का। आर लिखा हो एग्जाम में तो उसे आपको इज करना है, आपका सिंटैक्स सही हो जाएगा। दूसरा देखिए जैसे हमारा एग्जाम्पल है लव इज ब्लाइंड, ठीक है, यानी कि जो प्यार होता है वो अंधा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लव कहा गया है, लव अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, तो अबस्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, हम उस चीज़ की कल्पना करते हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। तो देखिए लव को आप छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ इज का यूज होगा क्योंकि ये सिंगुलर इनका होता है, प्लूरल होता ही नहीं है। तीसरा देखिए,
तीसरा हमारा है इंडिया इज आवर मदर लैंड, ठीक है, यानी कि इंडिया इज आवर मदर लैंड, यानी कि भारत हमारी मातृभूमि है, ठीक है। अब देखिए ये है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में होता क्या है, किसी खास चीज़ का नाम आपको प्रदर्शित करना होता है। जैसे देखिए इंडिया जो है ये अपने आप में एक खास है, ठीक है, खास जगह है, खास देश है, तो इसीलिए यह होगा आपका प्रॉपर नाउन। तो इसके साथ इज का यूज किया गया है, यानी कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिकल नाउन, अबेस्टिक नाउन और प्रॉपर नाउन का प्लूरल होता है, इनका सिंगुलर नहीं होता, यानी कि ये बहुवचन होते हैं, एक वचन होते हैं, इनका बहुवचन नहीं होता। तो ये थे आपके 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल सिंटैक्स के, वो भी किससे रिलेटेड, मैंने आपको बताया ये नाउन से रिलेटेड थे, यानी कि संख्या से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 6 रूल आसानी से समझ में आ चुके होंगे। और भी टॉपिक के अगर आपको रूल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इन सभी के रूल मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हैं, जितना ज़्यादा लाइक आएगा उससे आगे मैं आपको उतने टॉपिक पढ़ाता चलूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।